बिल्कुल आप लोग कैसे होप कि आप लोग अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, इन लोगों को ट्रेन टिकट में मिलेगी 75% की छूट। तमाम विस्तार पूर्वक जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। देश की रीढ़ मानी जाने वाली भारतीय रेलवे द्वारा बड़ी संख्या में ट्रेन चलाई जाती है। लोगों को सफर को सुहाना बनाने के लिए रेलवे की ओर से कई नियम बनाए गए हैं। विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, जैसे खान पान की सुविधा, आरामदायक सीटें और शौचालय की सुविधा इत्यादि। तो यात्रियों को ट्रेन टिकट बुक कराने होगा और उसके बाद आप आराम से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको एक फीचर से पूरी तरह से अनजान हो सकते हैं। रेलवे कुछ नियम है और शर्त के तहत जो है किराए में रियायत भी देती है, जिन्हें रेलवे द्वारा किराए छूट दी जाती है, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति, रोगी, खिलाड़ी, डॉक्टर, स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध सैनिक, मान्यता प्राप्त पत्रकार, सैनिक की पत्नियां और कलाकार, खिलाड़ी पुरस्कार विजेता शामिल है। अगर कोई भी कैंसर मरीज ट्रेन से यात्रा कर रहा है और उसके साथ कोई भी साथी भी है तो उसे छूट मिलती है। स्लीपर और एसी थ्री टीयर पर 100% छूट दी गई है। फर्स्ट एसी और एसी टू टीयर पर 50% की छूट दी जाती है। मैं बता दूं कि फर्स्ट एसी कार फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पर 75% की छूट, या अटेंडेंट स्लीपर और एसी थ्री पर 75% का छूट भी प्रदान करते हैं। वही टीबी और मरीजों को रेलवे की ओर से छूट दी जाती है। हार्ट सर्जरी कराने वाले मरीजों को और तीमरदारों को ट्रेन में किराया इतनी छूट मिलती है। अगर आप ऑपरेशन या डायलिसिस के लिए जा रहे हैं तो सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी थ्री टीयर पर एसी चेयर कार में 75% की छूट है, जबकि फर्स्ट और एसी टीयर में आपको बता दूं 50% की छूट मिले है। और मैं बता दूं कि विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग और पूरी तरह से दृष्टि बाधित जो है उसको भी 75% की छूट मिलती है। अगर ट्रेन राजधानी और शताब्दी है तो सभी श्रेणियों को टिकट पर सिर्फ 25% का छूट मिलती है। तो मैं बता दूं कि यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह छूट दी जाती है। मरीज को टिकट के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा या उस मान्यता प्राप्त अस्पताल या प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जहां मरीज का इलाज किया जाएगा, और टिकट बुकिंग के समय विकलांग प्रमाण पत्र के प्रति जमा करनी होगी ट्रेन के टिकट छूट पाने के लिए, और रेलवे काउंटर पर जाना होगा। तो मैं बता दूं कि ये जानकारी कैसा लगा, तो मैं बता दूं कि ऐसे ही रेलवे की लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।